वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल जिसके बेनिफिट्स हमारे बालों के लिए काउंटलेस हैं। अगर आपने अपने बालों पर किसी भी तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाए या हीट ट्रीटमेंट्स करवाए और आपके बाल कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं, बाल बीच में से भी टूट रहे हैं, स्कैल्प पर से भी टूट रहे हैं, हेयर लॉस होने लगा है आपको, मांग चौड़ी हो गई है या स्कैल्प पर पैचेस बनने लगे हैं आपके, तो इस हेयर ऑयल को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। बालों की सारी ही प्रॉब्लम्स के लिए एक दवाई की तरह काम करता है। इस हेयर ऑयल को हम काफ़ी सालों से अपने वैद्य जी से परचेज किया करते थे। जब उन्होंने इसको बनाना बंद कर दिया क्योंकि वो अब 95 प्लस एज के हो गए हैं, तो एक दिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे इसका नुस्खा शेयर कर दिया। बहुत ही मैजिकल है ये आयुर्वेदिक ऑयल। अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं उम्र से पहले तो काले होने लगेंगे, लंबे समय तक काले रहेंगे आपके बाल, बालों की ग्रोथ भी कई गुना तेज़ी से बढ़ेगी। अगर हेयर लॉस या हेयर थिनिंग का इशू आने लगा है आपको या हेयर लाइन रिसीडिंग का प्रॉब्लम होने लगा है तो इस ऑयल से बेबी हेयर भी जल्दी आने लगेंगे। बालों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ाने के साथ साथ स्कैल्प पर किसी भी तरह की खुजली या फिर डैंड्रफ एकदम रिमूव कर देता है ये। ओवरऑल अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो बालों की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए एक दवाई की तरह काम करता है ये हेयर ऑयल। इसको बनाना बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे कि इस हेयर ऑयल को हमें एग्जैक्टली किस तरह से प्रिपेयर करना है इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें लेने हैं कुछ नीम के पत्ते। यहाँ पर मैं एक बड़ा सा बोल ले रही हूँ और उस बोल को भरकर मैंने कुछ नीम के पत्ते ले लिए हैं। यहाँ पर मैं फ्रेश ले रही हूँ और आपको भी फ्रेश ही लेने हैं सारे इन्ग्रीडियंट्स। नीम लीव्स आपको पता है कि दवाई की तरह काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, हमारे स्कैल्प को, बालों को नरिश करते हैं। बालों में अगर फ्रिज है, बाल ड्राई रहते हैं, उलझे उलझे रहते हैं, तो बालों की फ्रिजीनेस को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं, बालों को हाइड्रेट करते हैं, हेयर ग्रोथ को बहुत फास्ट करते हैं नीम लीव्स, और बालों में अगर डैंड्रफ है या जूहों का प्रॉब्लम है तो वो कम्प्लीटली क्योर कर देते हैं। नेक्स्ट हमें ऐड करने हैं इक्वल क्वांटिटी में करी पत्ते। यहाँ पर मेरे पास ये थोड़े थोड़े से ड्राई हैं, वैसे फ्रेश हैं लेकिन मैंने लाकर फ्रिज में रख दिए थे तो ये थोड़े से ड्राइनेस में हो गए हैं, वैसे मॉइस्चर हैं इनमें। आपको इक्वल क्वांटिटी में करी लीव्स लेने हैं। करी लीव्स में भर भर कर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, जो हमारे बालों को जड़ों से लेके सिरे तक मजबूत करते हैं, एक एक बाल को मोटा बनाते हैं। करी लीव्स के रेगुलर एप्लीकेशन से हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 हिबिस्कस फ्लावर्स यानी गुड़हल के फूल। ये भी फ्रेश हैं, मैंने लाकर फ्रिज में रख दिए थे। इस ऑयल में डलने वाली एक एक चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल होती है हमारे आसपास के पार्क्स में या गार्डन में, और अगर गुड़हल की बात की जाए तो ये आजकल सीज़न में भी है, इजीली मिल जाएंगे। इनमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करते हैं, और जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है स्कैल्प का तो हेयर ग्रोथ फास्ट होती है क्योंकि हेयर रूट्स तक न्यूट्रिशन पहुँचता है, बालों को मजबूत बनाते हैं, और जो हमारे बाल बीच से टूटते हैं ना वो भी बंद हो जाते हैं हिबिस्कस फ्लावर या हिबिस्कस लीव्स के एप्लीकेशन से। इनके बीच में ये पेटल्स हैं, इन्हें आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हम में से कुछ लोगों को इनसे एलर्जी भी हो जाती है, तो बस इनको रिमूव करिए और उसके बाद ये रेडी हैं हमारे ऑयल में यूज़ करने के लिए। इक्वल क्वांटिटी में आपने लेने हैं हिबिस्कस के यानी कि गुड़हल के पत्ते भी। ये भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, इक्वली गुड होते हैं, ये भी बालों को कंडीशन करते हैं, बालों को बहुत ही स्मूथ और सिल्की बना देते हैं गुड़हल के फूल और गुड़हल के पत्ते, अगर बालों पर एक्सटर्नली इनका एप्लीकेशन किया जाए तो। इस ऑयल में डलने वाली एक एक चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है, सो इसलिए एक भी चीज़ आप स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट हम लेंगे फ्रेश एलोवेरा जेल। 2 लीव्स लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, उनका जेल निकाल लिया। एलोवेरा जेल हमारे बालों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और बालों में अगर फ्रिज है या बाल आपके बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं, स्कैल्प ऑयली रहता है, बार बार डैंड्रफ का इशू या इचिंग का इशू आता रहता है, तो एलोवेरा बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। बालों पर एक लेयर बनाकर रखता है एलोवेरा, तो सन से होने वाली डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है और हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 फ्रेश आंवला। देखिए, फ्रेश ही लीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि हमारे यहाँ फ्रेश अवेलेबल नहीं है, तो आप कोशिश करिए, कहीं ना कहीं आपको आपकी
वेजिटेबल मार्केट में या किसी वेजिटेबल वेंडर के पास आंवला मिल ही जाएगा, मुझे भी मिल ही जाता है चाहे वेदर कोई सा भी हो। आपको दो फ्रेश आंवले इसमें ऐड करने हैं। आंवला में बहुत सारा विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, जो हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, बालों की रूट्स को मजबूत बनाता है। आंवला ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि वो बालों को रिपेयर भी करता है, बालों को ही नहीं स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है आंवला। अब नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है 6 से 7 गार्लिक बड्स यानी कि लहसुन की कलियाँ। लहसुन में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे विटामिन B6, विटामिन सी, मैंगनीज, सेलेनियम, जो हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एंटी फंगल होता है ये, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन है स्कैल्प पर या इचिंग है, डैंड्रफ है, उसको रिमूव करता है ये, और हेयर ग्रोथ को बहुत फास्ट करता है, हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करता है, जो स्कैल्प पर पैचेस बनने लगते हैं उसको प्रिवेंट करता है। बस अब इन सारी चीज़ों को आपने मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इनका इस तरह का एक पेस्ट बना लेना है, जो बहुत इजीली बन जाएगा। आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, जो हमारा एलोवेरा जेल है उसी से इसमें मॉइस्चर मिल जाएगा और बस ये एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब आपको लेना है लोहे का एक बर्तन, मैं यहाँ पर ये कढ़ाई ले रही हूँ, आपको लोहे का ही लेना है, उसमें ये पूरा का पूरा पेस्ट आपको ट्रांसफर कर देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑयल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत इजीली मिल जाने वाले हैं। ऑयल को बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बाकी आप एक बार इस ऑयल को बना लेंगे तो आई एम श्योर ये मेरी तरह, मेरी पूरी फैमिली की तरह आपका भी फेवरेट बन जाने वाला है, आप बार बार इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे शिफ्ट कर लिया एक लोहे की कढ़ाई में। अब मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 ml ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो इसे मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, सर्दियाँ हैं तो आप इसे तिल के तेल में भी बना सकते हैं, गर्मियों में आप इसे कोकोनट ऑयल में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर मैं ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपनी फेवरेट ब्रांड्स का कोकोनट ऑयल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 200 ml ऑयल हमें लेना है। गर्मियों में बालों के लिए कोकोनट ऑयल से बेहतर कोई ऑयल होता ही नहीं है। हर तरह की रिपेयर और डैमेज बालों में जो भी हुई है उसको रिपेयर कर देता है कोकोनट ऑयल। बालों को मॉइस्चराइज्ड रखता है, नरिश रखता है, और अगर इसको बेस ऑयल बनाकर हम कोई भी हर्बल ऑयल प्रिपेयर करते हैं तो ये मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन, जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं उनका एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ईजिली, और ये हमारे स्कैल्प पर भी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। कोकोनट ऑयल बालों को स्मूथ बनाता है, सिल्की बनाता है, और एक बहुत अच्छा कंडीशनर होता है। आपने देखा होगा कि मैं आपके साथ इतने सारे शैम्पूज़ और कंडीशनर्स के रिव्यू शेयर करती हूँ जो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, उन कंडीशनर्स में कहीं ना कहीं कोकोनट ऑयल ज़रूर यूज़ किया होता है। बालों में अगर डैमेज हुई है तो कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन उस डैमेज को रिपेयर करता है, सन से प्रोटेक्ट भी करता है। तो देखिए, यहाँ इस मिक्सचर को मैंने ढककर रात भर के लिए रख दिया था इस लोहे की कढ़ाई में। अब नेक्स्ट डे जब मैंने इसको खोला है 10 घंटे बाद, तो मिक्सचर हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से इस मिक्सचर को इस लोहे की कढ़ाई में से वापस इस स्टील के बोल में ट्रांसफ़र कर देना है, और ट्रांसफ़र करने के बाद एक बार फिर से इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, और अब डबल बॉयलर टेक्निक से हमें इसे हीट अप करना है एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे के लिए। डबल बॉयलर टेक्निक क्या होती है ये मुझसे बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में पूछते हैं, तो देखिए मैं बता दूं आपको, आपको पहले एक बड़े से बर्तन में पानी को रख कर बॉयल कर लेना है। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो आपको गैस को लो फ्लेम पे कर देना है, बंद नहीं करना है, लो फ्लेम पर करना है, और ये वाला जो मिक्सचर वाला बर्तन है ये उस गर्म पानी में रख देना है। तो देखिए धीरे 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 ये मिक्सचर हमारा डार्क होता जाएगा, और 1.5-2 घंटे बाद मेरा ये ऑयल रेडी हो गया है। आपका ऑयल भी इसी तरह से 1.25 से 1.5 घंटे में रेडी हो जाएगा। अब क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी ऑयल नहीं है, ये एक दवाई की तरह काम करने वाला आयुर्वेदिक ऑयल है, तो हम क्या करेंगे, 1.5 घंटे इसको डबल बॉयलर टेक्निक से हीट अप करने के बाद उतार कर वापस इस लोहे की कढ़ाई में पलटेंगे, और फिर इसे रात भर 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे जब हम इसे देखेंगे तो बस अब हमारा ये ऑयल रेडी है छान कर रख कर
स्टोर करने के लिए, यूज़ करने के लिए। लेकिन हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे उसी लोहे की कढ़ाई में, जिससे कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स में से हम ऑयल अच्छी तरह से छान कर निकाल सकें। बस मैंने इसको हल्का सा गर्म किया और गर्म करने के बाद मैं अब इसे आपके सामने छान रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी मसलिन क्लॉथ से भी छान कर निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से छानेंगे तो बहुत ईजिली हमें एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन ऑयल मिल जाता है। देखिए, ये इस ऑयल के बाद हमारा मिक्सचर बचा है जिसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं या फिर आंवला है, बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब है ये। आप इसमें कोई भी अपना बॉडी वॉश मिक्स करके स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है ये। और देखिए, वापस हमें 200 ml ऑयल मिल गया है। ज़रा सा भी ऑयल हमारा वेस्ट नहीं गया है। हमारा प्योर कोकोनट ऑयल अब ग्रीन कलर के ऑयल में कन्वर्ट हो गया है और ये है हमारा ग्रीन हर्बल आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। बेहद मैजिकल रिजल्ट्स हैं गाइस इस हेयर ऑयल के, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ आज। वीक में 2 से 3 बार आपने इसे हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने स्कैल्प पर और थोड़ा थोड़ा अपनी हेयर लेंथ पर भी अप्लाई करना है। रात भर लगा कर रखना है आपको इसे और नेक्स्ट डे शैम्पू करना है। वीक में कम से कम 2 से 3 बार, मतलब मेरी तरह करेंगे तो कम से कम 3 बार आप इसको यूज़ ज़रूर करिए वीक में। और नेक्स्ट डे आप किसी माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से हेयर वॉश करिए। आपको बस इस ऑयल को लगातार यूज़ करना है, इसके अलावा कोई हेयर ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। इस ऑयल को हमने बनाया है फ्रेश इंग्रेडिएंट से, तो आप इसे मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो बनाइए इसको, यूज़ करना शुरू करिए और अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।